फोटो बना हो गया कार्यकारिणी के सदस्य है और जलंधर नॉर्थ के साउथ के प्रधान उन्होंने नाल श्री जश्न महाजन जी प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य है। बहुत पुराने कार्यकर्ता अपने पिंतले के हैं, बड़े इलेक्शन भी लड़े हैं इन्होंने एमसी के और मंडल प्रधान भी रहे, अजकल प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य। उन्होंने नाल मेरे इधर सचिव ने श्री उमेश शारदा जी प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य हैं और पंजाब की जी भारतीय जनता पार्टी की जी बूथ मैनेजमेंट आ जड़ा पार्टी का काम भी अपने प्रभारी है और ये अपना जलंधर वैस्ट जी विधानसभा हल्का है वो भी प्रभारी है जोड़ा इलेक्शन होने वाला डॉक्टर रणवीर कौशल जी प्रदेश बीजेपी मेडिकल सेल के इंचार्ज है, प्रदेश के संयोजक है जो मेडिकल सेल प्रदेश के कन्वीनर है और अपना जो का कौशल हॉस्पिटल है असर चाहते हैं और बड़ा इन्हों का योगदान है और खास करके मोर्चे के कार्यक्रमों के बड़ा सहयोग रहा ना उन्होंने नाल श्री चेतन सूरी जी सबका एमसी है अमृतसर जानते हैं बहुत लंबा समा इन्होंने समाजिक संस्थाव भी काम किया उसके बाद एमसी बने फिर जिले के जनरल सैक्रटरी है अजकल प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य उधर लास्ट में श्री जगदीश शर्मा जी जिले के जनरल सैक्रटरी अपना जो कपूरथला जिला भारतीय जनता पार्टी ने उन्होंने नाल अशोक मल्ला जी जिले के वाइस प्रधान साढ़े बड़े वरिष्ठ बुजुर्ग कार्यकर्ता श्री ओम प्रकाश बहल जी सबका चेयरमैन ने इंप्रूवमेंट वास्ते और पिछले इलेक्शन में सारा काम भी इन्होंने संभाले उन्होंने नाल सबका जिला प्रधान एस सी मोर्चा के पहला सकत्र भी रहे भारतीय जनता पार्टी के और इस बार इलेक्शन भी उन्होंने वार्ड माता जी ने लड़िया अनिल जी अपना फ्यूचर दी सारी अनिल जी मंडल प्रधान है एस सी मोर्चा और अपने इतने मुताबगढ़ ही रहते हैं श्री बलविंदर सिंह जी राजेवाल जिला प्रधान जिला प्रधान एस सी मोर्चा श्री गगन पासी जी मौजूद ने साडे साबका एमसी है शुरूपुर तो श्री मदन लाल कई जी बड़े पुराने राजनीति इन्हों का बड़ा रहा है और भारतीय जनता पार्टी में भी लंबे समय तो शामिल होकर काम कर रहे हैं कुलदीप जी खड़े हैं जिहड़े अपने नाल के मीडिया चार्ज है एस सी मोर्चा जिला कपूरथला हूँ मैं बेनती करांगा कि जिहड़िया भैन साडिया पार्टी के पिछले दिन उन्होंने पार्टी ज्वाइन की सी जिथे थूड़ वाले अपना उसे परिवार है उन्होंने घर के कार्यक्रम होया और जिला प्रधान जी ने और मंडल प्रधान जी ने उन्होंने ज्वाइन कराया से मैंने उसकी हिस्सा भी सी अज खास करके प्रोग्राम उन्होंने लिए रखा भी उन्होंने सम्मानित किया जाए उन्होंने स्वागत किया जाए और मैं हम बेनती करांगा शीला भैन जी कि आओ भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद ऐसी मोर्चा कपूरथला जिंदाबाद ऐसी मोर्चा कपूरथला जिंदाबाद।
जनरल सैकटरी वाइस प्रधान सारे कार्यकर्ता भैन अज असी उस महान नेतावान की याद करने कठे हुए हैं। वाजपेयी बारे जगदीश जी ने दसिया और जतेंद्र शर्मा जतेंद्र पासी जी बारे जतेंद्र पासी जी नाल मेरी तकरीबन 1970 तो पार्टी चे कठे काम किया और 70 तो ही वह साइकिल से ही शेखूपुर तो शहर जाते थे पूरे लगन नाल काम किया। साडी पार्टी के प्रधान भी रहे हैं साडी पार्टी के सरपंच भी रहे शेखूपुर के जो सरपंच का इलेक्शन सीगा मैंने याद है सरपंच का इलेक्शन उस बंदे नाल लड़ाई की थी जिहड़ा कि अपने आप कहिंदा कमांदा सीगा आनंद फैमिली और दूजे पासे लख रुपये लाने वाले इधर असी इमानदारी नाल काम करने वाले और जतेंद्र पासी जी चंगिया वोटा जिते और उस तो बाद काफी पार्टी का काम किए हैं। मैं जो गिना लगा तो कम से कम दो दिन भी थोड़े है मतलब इन्हों मेरा जिस दिन शहादत हुई है 1987 15 अगस्त को गोली बजी तो सानू 15 अगस्त पता लगा तो अभी शेखूपुर तो पता लगा हस्पताल लैके गए हस्पताल चाहे हैं फिर पता लगा लुधियाने लैके गए मतलब बड़े दुख की गल है कि आप कहने तो बहुत हाँ कि पार्टी ने असी आह किया पार्टी ने वह किया जिन्होंने पार्टी लिए किया उन्होंने असी की किया। आप हर साल सारे जिले की पंजाब लेवल से इन्हों का दिहाड़ा मनाते थे लेकिन तकरीबन 20 साल तो सिर्फ फोटो रख के ही आप दिहाड़ा मनाते हैं। पंजाब के मास्टर मोहन लाल मंत्री कह के गए थे इतने मैंने याद है मैं काफी स्टेजा से मैं स्टेज सामभा हूं घट तो घट 15-20 बारी मैं स्टेज सामी होगी 15-20 बारी शेखूपुर के प्रोग्राम होया और मेरा ख्याल है कि कोई मंत्री नहीं होना जो उसे नहीं आया इतों तक कि वाजपेयी जी भी उसे आए थे और आप हम भुल गए हैं परशोधन पासी जी के भाई है तो गगन पासी जी के फादर से वो छोटे ही होंगे थे और बड़ी मेहनत नाल इन्होंने काम किया। पार्टी मैं देखो मेरी गल करना कौड़ियां सच्चिया होंगे तो कौड़ियां जरूर लगती हैं सच्ची गल हमेशा कौड़ी लगती होंगी है। पार्टी को हमेशा सोचना चाहिए कि जेड़े वर्कर ने काम किया परिवार ले भी असी सोचिए फ्यूचर बारे भी असी सोचिए कि असी उहदा नां हर साल रखिए सिर्फ फोटो रख के आप मत्था टेकिया घर चले गए गल नहीं बनती। पार्टी ता ही बढ़ती है अगों जे आप किसी को मान सम्मान देिए मान सम्मान रखिए जी नाल बोलीए जी नाल बुलाइए। मैं बहुता कुछ ना कहता हो सारे यही बेनती करांगा कि पुष्पांजलि सारे ने की है कि हर साल धूमधाम नाल आपां शहीदी दिवस मनाया करिए पासी जी का अज तो 15-20 साल पहला मनाते थे उस तो बाद थोड़ा जा घट गया इसलिए मेरी बेनती है कि पंजाब के कार्यकर्ता भी इसे बैठे है जिले के भी बैठे है एसी मोर्चा भी बैठा है पार्टी बहुत वड्डी है लेकिन काम आप वड्डा करके दिखाइए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बेनती करूंगा डॉक्टर रणवीर कौशल जी को मेडिकल सैल पंजाब इंजीनियर समारोह प्रतिनिधि मातृशक्ति दोस्तों ऐसी मोर्चा बधाई देना कि उन्होंने जोड़ा काम ढिला पिया रीएक्टिवेट दोबारा लैते जाना औखा होगा पर मेहनत की मैं तुम्हें टैक्नीकल गलत दसना चाहता जिड़िया सामू जी सरकार ने कीतिया साड़ी सारे ड्यूटी है डॉक्टर दसो
बीजेपी पार्टी ने किसान क्रेडिट कार्ड दिता मैं किसी भी जिम्मेदार दसने की लड़ है साढ़े बरखा पे असकी क्यों किया फसल बीमा की पिछे हड़ आ गए कि जिम्मेदार दुखी से बीजेपी ने इन्होंने इंश्योरेंस करके कराओ ताकि वहां तक करके सौ जाओ थोड़े पैसे पूरे मिलते किसी भी किया बस 15 गुना डेढ़ गुना एमएसपी बढ़ाते फसलों के किसी भी जगह की फसल बेच सकते 6000 रुपया थोड़े अकाउंट पाता खाद मिलती नहीं सी लड़ाई होंगे वीडियो वीडियो बन लगता भैन की बड़ी मौज बन गई मेरी जी क्लीनिक से दो पास गया रोज उ लड़ाई होंगी हम रात को टेलीफोन करो साढ़े घर चल फिर सबसिडी मिल जाएगी दूजा मेरा काम है डॉक्टर का वो मैं सही दस दूंगा क्योंकि दूजी भी एक कोरोना की आ गई हम सारे साइन सिमटम बदल गए पता की होता जी जुकाम हो जाना अखा च पानी बदल लग पाना गलत सह चढ़ लग पा हम सारा सिस्टम कटा पड़ गया हम सीधे सह ते आ गए कई पेशेंट साढ़े को आया कट्टिया नहीं गया समाज पता लगा कोरोना कई जोड़ा जी दर्द होना कोई पता नहीं लगा कोरोना कुछ जी नवी वेव आ गई हूं बाई चांस मैं बड़ा पतला हो गया कि स्कूल खोल देते हैं चार जगह स्कूल के पॉजिटिव केस आ गए लुधियाने आ गए पांडा आ गए दो जगह जोड़ क्योंकि बड़ी मुश्किल है कोई तोड़ किया दूजा अभी पिंड जा दसना भी मोदी जी करके वैक्सीनेशन नहीं आ गई मेरी कई लोगों ने बहस सुनी है क्योंकि मैं दिल्ली तो दूजे पास चला गया पेट्रोल बहुत महंगा हो एक पास असि कहते वैक्सीनेशन नहीं मिली दूजे पास 84 करोड़ बंदे ने तीजा फौज मजबूत की चाइना नूं अगे वधण दा मौका नहीं दिता अगे चाइना फसे ने वापस उन्होंने मैं कल प्रोग्राम देख रहा सीखना मतलब लेकिन परमवीर चक्कर मिला जिन्हें कहा दिल मांगे मोर और दूजे दिन जा रहा है छाती च गोली लगी तो मर गया हम मोदी साहब ने सब बुलेट प्रूफ जैकट दे दी जो तो बुलेट प्रूफ जैकट नहीं लेकिन मतलब ने मौका नहीं सारिया गलों ने पैसा नहीं लगता थोड़ा तो साढ़ा किन्ना बहुत 1000-1500 आदमी पर मुल्क कि जो अभी कश्मीर चो भज के आ गए पाकिस्तान चो चढ़ के आ गए ठीक है जी देश रहेगा तो महंगाई तो सर अब जन्म पर पहला देश सर्वप्रथम देश की गुणता शक्ति ताकत बाकी साढ़े जम्मे कोई ड्यूटी होगी अस खुदी करा तो सारा तो बहुत बहुत धन्यवाद मातृ शक्ति में धन्यवाद सारे पिंड प्रचार करो बेटा सब दसो ये सरकार तुम्हें यह कर रही है जिमीदार के कोई अगेंस्ट नहीं अस जिमीदार की प्रॉब्लम तो उन्होंने नाल खड़े हाँ को मैं बेनती करा ओम प्रकाश बहल जी गवर्नमेंट अपना लीडरशिप बोर्डा बीबिया जिन्होंने ज्वाइन किया सारा का धन्यवाद करना अज जो दिन है असी तो देखते रहे हैं जतेंद्र पासी जी के इंसाद से बहुत वाला चर्चा आता रहा शिवपुर असि सारे जने उस नाल मिल के करते रहे हैं पर 15-20 साल जिन्हें भी साढ़े लीडर इतने बड़े हैं उन्होंने कोई कोशिश नहीं की इस चीज की ताकि असि इन्हों का दिहाड़ा मनाईए वो फोटो ला के गुजरे ही है ये बहुत बड़ी गल है और सारे लीडर जिन्हें भी गांव में पैदा हुए हैं उन्होंने बेनती करता कि दिहाड़े को ना भूलो कि दिहाड़े जी आप शहादत दी है वाजपेयी साहब के बारे भी तुम दस चाहना कि वह शख्स से प्रधानमंत्री जो 2 तो लैके 280 तक ही लै गया कि वह शख्स और वर्ल्ड में मनिया शख्स इंदिरा गांधी ने कहा कि UN च वाजपेयी साहब चढ़ गए साड़ी पार्टी के बंदे उन्होंने स्पैशली भेजे थे कि UN कि ये जाएंगे क्योंकि इन्हें इंटेलिजेंस के बोलने इन्होंने
मैं बहुत लंबा जवाब भाषण नहीं देना चाहता। मैं मीडिया का सत्कार करता जिसे ज्वाइन किया, बड़ी खुशी हुई है कि मीडिया साढ़े नाल जुड़ी है और ऐसी मोर्चे जुड़ी है और सारा अपना जिले सारा कुछ करके अपना काम कर रही है। इसे जय श्री राम। बेनती करांगा श्रीमान चेतन सूरी जी दो मिनट माता की जय। और मैं बेनती करूंगा श्री शोधन पासी जी को अपना बोला दो मिनट लाओ। मंच के विराजमान स्टेट की लीडरशिप, जिले के महामंत्री, जिले के वाइस प्रधान, साबका काउंसलर और बहुत ही सत्कार जो सारी सीनियर लीडरशिप मंडल और जिले की और वो भैन और मेरे वीर जिन्होंने अब भारतीय जनता पार्टी के परिवार के वादा किया, मैं इस मुकाम से तो सारे बहुत बहुत बधाई देना। और स्पेशल तौर पर जोड़ा एससी मोर्चे ने इनिशिएटिव लिया वा कार्यक्रम इन्होंने रखा सगा कि जिन्हों लोगों को असि परिवार के वादा करके ज्वाइन कराया उन्होंने मान सत्कार और उन्होंने श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जो अपने पूर्व प्रधानमंत्री रहे देश के उन्होंने अज के दिन ही तिथि सी इन्होंने उन्होंने वास्ते भी श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन किया। और श्री जतेंद्र नाथ पासी जो पार्टी के अध्यक्ष भी रहे, सरपंच भी रहे और जो उन्होंने गोली लगी स्टेट वर्किंग कमेटी के मैंबर भी सके, मेरे वे भाई से, मेरे वाला बेटा गगन पासी बेटा, उन्होंने वास्ते भी जो उन्होंने याद किया मैं दिनी हाँ दिलों इस गल वास्ते क्योंकि शहीदों को कभी भुलना नहीं चाहिए। उन्होंने शहीदों की बदौलत ही अज आप इतने 16 साल लै रहे हैं, अपनी आनंदित जिंदगी जी बतीत कर रहे हैं, उन्होंने लोगों ने अपन जाना वास्ते कल आप आजादी का दिहाड़ा मना के इतने बड़े बड़े नौजवान अपने कर्नल मेजर ब्रिगेडियर जवान और लोकल पुलिस के भी सिपाही कांस्टेबल SHO डिप्टी SSP जे बार जोकल आतंकवाद चलिया अपना पंजाब के अंदर वे भी उन्होंने शहीदियां पाईया और उन्होंने लोगों दहीदियों तो बाद ही जो अमन पंजाब के अंदर कायम होया शहीदों को कभी भुलना नहीं चाहिए। जिसले मैं छोटी जी अटल जी बारे गल कर लगा जिसले करगिल का युद्ध होया तो अपनी फौज भी उपर पहुंच चुकी सी, दुश्मन की फौज भी पाकिस्तान की फौज भी पहुंच चुकी सी और बड़े नौजवान वीर की वह लड़ाई सी क्योंकि पहाड़ी के उत्ते जाके लड़ना वह उपर सी असी थले सी और बराबर जाके लड़ना बहुत मुश्किल की गल सी। जिसले लड़ाई जोरते हो गई अमेरिका में मीडिएटर के तौर पर मध्यस्था वास्ते पिया उन्होंने अटल जी कहा कि आप लड़ाई बंद करके बैठ के गल करिए। उन्होंने कहा बैठ के गल उन्नी देर हो सकती जिनी देर तक युद्ध स्टार्ट नहीं हो, जो लड़ाई हुई है हुण असी युद्ध जित के ही गल करांगे बैठांगे उन्नी देर असी बैठना। भारतीय जनता पार्टी अटल बिहारी वाजपेयी ने उस शख्सियत को जवाब दिता जी वर्ल्ड पावर अमेरिका उन्होंने कोई जवाब नहीं दे सकता। उन्होंने उन्होंने जवाब दिता क्यों दिता दृढ़ता सी निश्चय सी पता सीगा भी मैं सारी कमांड नूं सामना। सो इस करके इन्हें शहीदों को कभी भुलना नहीं चाहिए। मैं एक बार फिर थोड़ा सारे का बहुत बहुत धन्यवाद करना तुम्हें पार्टी ने वादा किया और अज का यह कार्यक्रम का अपने जिला तो इंडिया इन्हों का सारे जेडे भैन इन्हों के मंडली है मैं कहूँ दो मिनट तुसी कोई पार्टी शामिल हुए हो बोलो कुछ शिला बहन डेमोक्रेट पार्टी इस पार्टी शामिल हो मेरा हम दिव्यांग कर रहे हैं जो आप काम कर रहे हैं जो दिव्यांग तक का होंगे कुड़िया तक का होंगे जो सोचती है धर्म का चलता कुड़िया होने वो असि कुड़िया साथ जावे। मोर्चे चो एक साडे अपने मदन लाल भाई जी दो मिनट नहीं बोलन बस उस बाद से लोग बुला। श्रीकाल नमस्कार जय श्री जी। तुसी बहुत पुराने और खास करके शाम जी साडे सुखी साहब मैं तकरीबन काफी समय तो शाम जी का मेरा प्यार अज तो 20 साल तो काफी देर तो अभी सुरी साहब का भी और
ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੇ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਡੈਮੋਕਰੇਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੀਲਾ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਥੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡੈਮੋਕਰੇਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਚ ਜਾਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਮਿਲਿਆ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸੰਨ 1964 ਦੇ ਵਿਚ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਚ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਕਾਸ਼ੀ ਨਾਲ ਰਾਮ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਉਦੋਂ DS4 ਆਈ ਸੀ ਉਸ ਸਬੰਧ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਬਣੀ ਦੇਖਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਸੀ ਪਾਰਟੀ ਜੀ ਲਿਆਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਕੁਛ ਹੋਰ ਟਾਈਪ ਦੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰੋਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੁਲਾਵੇ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਕਾਰਜਕਰਮੀ ਦੇ ਸਦੱਸ ਸ੍ਰੀ ਉਮੇਸ਼ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਚ ਮੇਰੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਇੱਕ ਸੰਗਠਨ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਔਰ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਸ਼ਕਤੀ ਬੜਾ ਹੀ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮਿਲਦਾ ਜਿੱਥੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਗੁਰੂਤੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਪਿੱਤਰ ਸਨ ਸਾਡੇ ਉਹ ਪਿੱਤਰ ਸ਼ਕਤੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਜੀ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਦਮੀ ਹੈ ਗੁਰਮ ਪਾਸੀ ਜੀ ਦੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਸਨ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਚਾਰ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿਚ ਪਰਿਵਾਰ ਸੰਬੰਧ ਰਹੇ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਉਹਨਾਂ ਤਿਥੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਕੱਤਰਿਤ ਹੋਏ ਹਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਐਸੀ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਸਵਰੂਪ ਸਾਡੇ ਮੰਡਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਨੰਦ ਜੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਜੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਸੀ ਮੋਰਚਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਿਮਲ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿੰਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਵੀ ਮਾਹੌਲ ਪਾਰਟੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਛੱਤ ਪੈਣ ਲੱਗਿਆ ਮਨ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ ਨੀਹਾਂ ਭਰ ਕੇ ਉਸਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਹ ਨੀਹਾਂ ਭਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਨੀਹਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਸਾਡੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਜਿਸ ਸੰਗਠਨ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਨੀਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪੇਈ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਨੀਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰਿਆ ਖੜੇ ਕੀਤਾ ਐਸੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਤੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਸਾਡੇ ਅਗਵਾਨੀ ਜੀ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਜ ਜੋਸ਼ੀ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਗਦੀਸ਼ ਜੀ ਨੇ ਇਹੋ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸਮੇਂ ਸੀ ਚੁਣਾਵ ਲੜਨ ਲਈ ਲੜਦੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਚੁਣਾਵ ਹਾਰਨਾ ਲੇਕਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚੁਣਾਵ ਦੀ ਕੰਪੇਨ ਚ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਜਾਵਾਂਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਾਂਗੇ ਬਾਅਦ ਚ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਵੀ 10,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਿਚ 2,000 ਸਾਨੂੰ ਪਈ ਆ ਉਹ 2,000 ਲੋਕ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਦੀ ਸਾਡੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨੇ ਉਹ 2 ਦਾ 3 ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਂਗੇ 3 ਦਾ 4 ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਂਗੇ 1952 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ
1992 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਔਰ ਸ੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪੇਈ ਨੇ ਬੇਸ਼ੱਕ 13 ਦਿਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਹੇ, ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 13 ਮਹੀਨੇ ਵਾਸਤੇ ਰਹੇ, ਫਿਰ 5.5 ਸਾਲ ਰਹੇ, ਟੋਟਲ 6.5 ਸਾਲ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਤੇ ਜੋ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਪਰਮਾਣੂ ਸ਼ਕਤੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸੈਂਕਸ਼ਨਸ ਲਗਾ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਸ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕਾਰਗਿਲ ਯੁੱਧ ਦੀ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਰ ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਸੰਗਠਨ ਹੈ, ਇਹ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਸਾਥੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਅੰਤੋਦਿਆ ਦੀ ਸਕੀਮ ਲਿਆ ਕੇ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਸਟ ਤੇ ਬੈਠਾ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਸੁਵਿਧਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਅੰਤੋਦਿਆ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਚ ਗੈਸ ਦੇ ਚੁੱਲੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ, ਗੈਸ ਦੇ ਸਿਲੰਡਰ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ, ਲਾਈਟ ਵੀ ਪਹੁੰਚੀ। ਕੱਲ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ, ਕਦੇ ਭਾਰਤ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਨੀ ਸੁਣਿਆ, ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਨੇ ਸੁਣਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੁਣਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਬੜਾ ਫਖਰ ਹੋਇਆ ਮਨ ਨੂੰ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਪਿੰਡ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ। ਕੱਲ 15 ਅਗਸਤ ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਛਾਤੀ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ 38 ਇੰਚ ਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਭੁੱਲ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ 56 ਇੰਚ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਸਥਾਨ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਔਰ ਸੋਲਰ ਪਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆਂ ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰਿਆ ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਚ, ਦੁਨੀਆਂ ਚ। ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਵਿਛਾੜਿਆ, ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਯੂਰਪ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸੋਲਰ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆਂ ਚ ਨੰਬਰ 1 ਅਸੀਂ। ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੜ੍ਹੇ ਆ, ਲਿਖੇ ਆ, ਦੇਖੇ ਆ, ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਵੀ ਸੀਗਾ ਸ਼ਾਇਦ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਅੰਦਰ 67% ਸੋਲਰ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨੀ ਸਾਡੇ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਸ਼ੋਕਾ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਉਮਰੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਪਾਸੀ ਜੀ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕੰਪੇਰੀਅਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਉਂ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਘਰ ਖਾਧੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਸੋਲਰ ਪਾਵਰ ਕਿੱਥੇ ਖੜੀ ਹੋਏਗੀ ਜਾ ਕੇ? ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਵੇਚ ਰਹੀ ਹੈ, 13 ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸੋਲਰ ਪਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕੋਸਟ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 2 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਏਗੀ, ਜੇ ਅਗਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਵਿਕ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਚ ਵੀ ਵਿਕੇ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਆ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਔਰ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬੈਠੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਭੂਸ਼ਣ ਜੀ, ਪਤਾ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ? ਰਸੋਈਆਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਖਰਚਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ। ਕੋਈ ਆਂਦਾ 100 ਯੂਨਿਟ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਦੂੰਗਾ, ਕੋਈ 200 ਦੇ ਦੂੰਗਾ, ਕੋਈ 300 ਦੇ ਦੂੰਗਾ, ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਦੀ ਹੱਦ ਇੰਨੀ ਆ ਕਿ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇਕਰ 301 ਯੂਨਿਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੂਰੇ 300 ਦੇ ਪੈਸੇ ਲਾਉਂਗਾ ਨਾਲ, ਔਰ ਲਾਉਂਗਾ ਵੀ ਪੂਰੇ ਉਲਟੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ 6 ਲਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ। ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਸਕੈਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਘੁਟਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪਿਓ ਪੁੱਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ। ਫ੍ਰੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਨਹੀਂ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲੰਬੀਆਂ ਕਰ ਲਈਏ, ਅੱਜ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਮੈਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਐਸ ਸੀ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਮੰਡਲ ਨੂੰ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਸਾਰੇ
बैठे हैं इतने किनिया दिहाड़ियां खेतों के आके मिलती हैं किसान की तुहाडे हक तुहानू दे रहा सरकारां कोल सब कुछ लैण दे बावजूद ओहदी लड़ाई की लोड़ है उस गल नू चक्को निर्मल जी असीं तुहाडे नाल खड़े हां भारत माता की जय स्टेट बॉडी के अधिकारी जिला बॉडी के अधिकारी और मेरे कहने वाली कोई गल छी नहीं क्योंकि मेरे सीनियर नेता जो हर गल बड़े विस्तार न समझाई है और मैं ज्यादा कुछ नहीं कहांगा मैं अपनी टीम वालों और अपने वालों सिर झुका के धन्यवाद करना कि जिहड़ा साडे ठेके जे सद्दे ते सारे आयो कोट कोट धन्यवाद और गां तो ऐदा ही असीं मोर्चे दे कंधे ते हाथ रखो उच्च बुलंदियां वल जावांगे इन्हां के कहता होया दास के मंदा दा देते वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। विधानसभा हल्का इलेक्शन दे आउण वाले दिन जा रही है इन्हां दा दफ्तर है जानकारी दस रहे जिते अपना दफ्तर हो रहा साडी बेनती इन्होंने सरकार करके जगह दी मेरे नाम मेरे पार्टी दे विच मेरे नाल सारे काम करने वाले मेरे साथी पार्टी दे लीडर साहिबान अमरीश शारदा जी केतन सूरी जी डॉक्टर रणवीर कौशल जी प्रोतम पासी जी यश माजन जी जगदीश शर्मा जी अशोक मालदा जी निर्मल जी ओपी बैल जी कुलविंदर सिंह जी अनिल कुमार जी वकील साहब भी उन्हें मैंने मिले थे दस मिनट हुए थे कोर्ट से आए थे मैं क्या कोई दस मिनट आया खुला प्रोग्राम अज आप सारे ऐसी मूर्ता के प्लेटफॉर्म से एकत्र होके श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी श्री जितेंद्र पासी जी नूं श्रद्धा सुमन भेंट करने लई वी इकट्ठे होए हैं उसके नाल ही जो कपूरथला दे असी मोर्चा ने साडी मातृ शक्ति नूं भारतीय जनता पार्टी के नाल जोड़िया मैं सारी पार्टी वालों अपनियां भैणां दा स्वागत करदा हां अपनियां भैणां नूं मुबारकबाद दिंदा हां तुसीं इस परिवार विच आ के इस परिवार दा वादा कीता सिर्फ विश्व दे विच इक्को ही इक पार्टी है पोलिटिकल पार्टी जिहड़ी अपनी पार्टी नूं इक परिवार दा नाम दे के गल करदी है जदों परिवार दी गल करदे हां उस दे विच इक अपनापन नजर आउंदा जदों सिर्फ पार्टी दी गल करदे हां ठीक आ सियासत कर रहे हां अंदरों साडा इक जज्बा रहिंदा कि असीं सारिआं दा नहीं 100% दा नहीं 5-10% लोग ऐसे आ जिन्हां दा अंदरों मन करदा वी मैं सियासत करनी आ फिर उह सियासत करन वेले इह सोचदा कि मैनू केड़ी वधिया सियासी पार्टी वधिया रहूगी मैं केड़ी पार्टी विच शामिल होवां जिहदे नाल मैं इंडिविजुअल तौर ते इक लीडर बन सकां हुण जिन्ने लोग इत्थे बैठे आ साडे आ लीडर साहिबान कोई 40 साल पहला पार्टी च आए कोई 30 साल पहला पार्टी च आए कोई 50 साल पहला पार्टी च आए मैनू भी 40-45 साल हो गए 1980 विच मैं पार्टी ज्वाइन कीती सी सानू भारतीय जनता पार्टी चंगी लगी कई लोग कांग्रेस जाते अकालिया जाते साडे देश का संविधान सारे असी
सारे की फ्रीडम सेम आ, लेकिन जिस तरह की भैं की सानू लोड़ सी वह भैं सू मिल गई। भैन जी वक्ता नहीं है, लेकिन उन्होंने जज्बा जो उन्होंने गल की कि असी कपूरथला दे विच किसी भी धी भैन दे नाल कोई बेइंसाफी होई ते असी डट के खड़ियां होवांगियां, ते मैं बड़ा हौसले बुलंद होए कि भाजपा के प्लेटफार्म से भैं जिहड़ियां उन्हां दी शक्ति वधी। तुसी कल्लियां ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮੰਡਲ ਉਹਦੇ ਵਾਇਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਪਣੇ ਲੇਟ ਆਏ ਸੀ ਨਾ ਉਹਦਾ ਫਿਊਚਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਾਂਗਰਸ ਮੋਦੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਆ ਜੀ ਆਪਣੇ ਬੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਆਓ ਜੀ ਆ ਜਾਓ ਜੀ ਆ ਜਾਓ ਬੈਠੋ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੇਟ ਸੀ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੱਲਾ ਮਾਰ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੀ ਆ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਯਾਰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਹੋ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ।